नमोबुद्धाय। ये सूत्र उपदेश का नाम है सच्च विभंग। सच्च विभंग आर्य सत्य को विस्तार करके बताया गया सूत्र। सच्च मतलब आर्य सत्य, चार आर्य सत्य, विभंग मतलब विस्तार करना। ये सच्च विभंग सूत्र में चार आर्य सत्य को अच्छा से विस्तार किए हुए आप लोगों दिखाई दे सकता है। उस समय भगवान बुद्ध वाराणसी में ऋषिपत मेघदाय में रहते थे, बंते लोगों की उपदेश दिए थे, बताया। पुण्यन भिक्षु तथागत अरहत सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध ही वाराणसी ऋषिपतन मृगदाय में अनुत्तर धर्म चक्र को प्रवर्तन किए थे। धर्म चक्र को प्रवर्तन करना मतलब धर्म को चलाया, शुरुआत किया, प्रवचन देना। तथागत किए धर्म चक्र की प्रवर्तन, यानी कि भगवान बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन किया है, घुमा दिया। घुमा दिया मतलब मुंह से निकाल दिया। ये धर्म चक्र प्रवर्तन लोग दुनिया में रहने वाले कोई श्रमण हो या ब्राह्मण हो, कोई देवता हो, मार हो, ब्रह्म हो, कोई भी हो, किसी को उल्टा घुमा नहीं सकता है, यानी कि उसको बदल नहीं सकता है। एकदम वो परम सत्य है। वो क्या है? चार आर्य सत्य के बारे में प्रकाश करना, देशना करना और स्थिर करना, विस्तार करना, विग्रह करके दिखाना, निकाल के दिखाना। किसके बारे में? चार आर्य सत्य के बारे में अच्छी तरह से बताना। यही किसी को बदला सकता है और किसी को नहीं बदला सकता है। ये परम सत्य है। वो कौन सी आर्य सत्य के बारे में है? दुख आर्य सत्य के बारे में उन्होंने बताया। कौन बता रहे? तथागत भगवान बुद्ध बताते हैं। उन्होंने बताया भगवान बुद्ध कौन सी आर्य सत्य के बारे में विस्तार किया? दुख आर्य सत्य के बारे में बताया, उपदेश दिया, एकदम स्थिर किया, विस्तार किया, विग्रह किया, निकाल के दिखाया। दुख उत्पन्न होने के बारे में आर्य सत्य हैं, उसके बारे में बता दिया। दुख निरोध करने के बारे में जो आर्य सत्य है उसके बारे में बताया। दुख निरोध करने का प्रतिपदा जो आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में विस्तार किया, देशना किया, स्थिर किया, विग्रह करके दिखाया, एकदम ऊपर निकाल के दिखाया। ये चार आर्य सत्य। पुण्यन भिक्षु ये तथागत भगवान बुद्ध जी से दिखाए गए ये चार आर्य सत्य की प्रवर्तन, धर्म चक्र की प्रवर्तन, दुनिया में रहने वाले कोई श्रमण हो या ब्राह्मण हो या कोई देवता हो या मार हो, ब्रह्म हो, दुनिया में किसी को उल्टा घुमा नहीं सकता है, किसी को बदला नहीं सकता है, किसी को चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये परम सत्य है। पुण्यन भिक्षु सारिपुत्त एवं मोग्गल्लान के साथ संगत करिए। सारिपुत्त मोग्गल्लान के साथ एकदम बहुत नजदीक में संगत करो। ये दोनों महाज्ञानी हैं। सारे अपना सब ब्रह्मचारी भिक्षु लोगों को वो मदद करता है, अनुग्रह करता है। पुण्यन भिक्षु जिस प्रकार बच्चा को पैदा करने वाले माँ है वैसे ही है सारिपुत्र। जो जन्म लिया है वो बच्चा को पोषने वाले, पालने पोषने वाले माँ जिस प्रकार है वैसे ही है मोग्गल्लान। पुण्यन भिक्षु सारिपुत्र सोतापन्न
होने तक अपने शिष्य को संभालता है, सोतापन होने तक आराम से संभाल सकता है, आराम से सोतापन हो सकता है। मुगलान सोतापन से आगे अपना शिष्य लोगों को आराम से ले जाता है। पुण्यन भिक्षु ये सारिपुत्र अतिशय चतुर है एक कारण पे। कौन से कारण पे? सारिपुत्र चार आर्य सत्य धर्म को विस्तार करने में, देशना करने में एवं स्थिर करने में, विग्रह करने में, अच्छा से चार आर्य सत्य निकाल के दिखाने में अतिशय चतुर है। ऐसे बोल के तथागत भगवान बुद्ध आसन से उठ गया, अपना गंध कुटिया में चले गए। यही भगवान बुद्ध यहाँ तक उपदेश दिया है। कैसा ये चार आर्य सत्य ऐसा है? तथागत भगवान बुद्ध इसे पतन मिगदाय में प्रवर्तन किया, ये बहुत आश्चर्य अद्भुत कारण, इसको कोई द्वारा उल्टा पलटा नहीं सकता है, किसी को बदला नहीं सकता है। ऐसे करके अरहंत सारिपुत्र बनते जी एवं मुगलान बनते जी के बारे में गुण बताया, उन दोनों के साथ संगत करिए। इसके बाद बताया सारिपुत्र बहुत चतुर दिमाग है, अतिशय चतुर है, ये चार आर्य सत्य को आराम से विस्तार कर सकता है। तो आप लोग ये उपदेश आराम से सुन लीजिए, क्योंकि ये पहली बार आप लोग सुन रहे हैं चार आर्य सत्य के बारे में। तो हम लोग हमेशा, हम लोग का टारगेट चार आर्य सत्य की प्राप्ति है और कुछ नहीं। किसी कोई भी मानव हो, बुद्धिमान मानव हो, बुद्ध शासन में आए हुए कोई भी व्यक्ति हो, उनका टारगेट चार आर्य सत्य है और कुछ भी नहीं है। ये चार आर्य सत्य से ही राग द्वेष मोह को मिट जाता है। इसी आशीर्वाद करते ना आप लोग, चार आर्य सत्य प्राप्त करने का भाग्य मिले। तो चार आर्य सत्य क्या है? सिर्फ नाम सुना है, शॉर्टली सुन लिया, लेकिन अभी विस्तार से सुनना जरूरी है। भगवान बुद्ध ऐसा उठ के कुटिया में जाने के बाद अरहंत सारिपुत्र बनते जी बनते लोगों को आमंत्रित किए। प्रयाशमान अरहंत सम्यक संबुद्ध तथागत भगवान बुद्ध जी वाराणसी में अनुत्तर धर्म चक्र को प्रवर्तन किया। वो ज्ञान दुनिया में कोई श्रमण ब्राह्मण देव मार ब्रह्म और किसी को वापस घुमा नहीं सकता है, एकदम परम सत्य है। किसके बारे में? चार, इसका मतलब चार आर्य सत्य के बारे में उपदेश देना, स्थिर करना, विस्तार करना, विग्रह करना, निखार के दिखाना। वो कौन सा आर्य सत्य है? दुख आर्य सत्य, दुख उत्पन्न होने के बारे में आर्य सत्य, दुख निरोध करने के बारे में आर्य सत्य, दुख निरोध करने का मार्ग के बारे में आर्य सत्य। इसके बाद पूछा प्रियाशमान दुख आर्य सत्य मतलब क्या है? जन्म लेना दुख है, बूढ़ा होना दुख है, मृत्यु होना दुख है, शोक रोना, शारीरिक दुख, मानसिक दुख एवं अफसोस करना, ये सब भी दुख है। जो पसंद है वो नहीं मिलना भी दुख है। ये सब कुछ सारांश करके बता देंगे तो पंचोपादान स्कंद दुख है। प्रयाशमान जन्म लेना दुख मतलब क्या है? जो कोई सत्व है, जो कोई प्राणी है, उन लोग जहाँ जन्म लेता है, कहीं भी जन्म लेता है, उन लोग का कहीं भी उत्पन्न होना होता है, पैदा होना होता है, या तो फिर माँ का पेट में जन्म लेना होता है,
विशेष जन्म होता है, या तो फिर पंचोपादान स्कंध की प्राप्ति होता होगा, या तो फिर आँख कान नाक जीभ शरीर मन छह इंद्रिया की प्राप्ति होगा, आयुष्मान। जन्म लेना दुख मतलब वही है। कहीं भी पेट में गया तो, या तो फिर कहीं भी अंडा में जन्म लिया तो, या तो फिर कहीं पिघला हुआ चीजों पे जन्म लेंगे तो, या तो फिर औपपातिक कहीं भी जन्म लेंगे तो, कहीं भी जन्म लिया तो पंचोपादान स्कंध ही जन्म लेते हैं। कोई किसी प्रकार से भी जन्म लिया तो जन्म लेना दुख है। जन्म लेने के कारण ही तकलीफ उत्पन्न हो जाता है, जन्म नहीं लिया तो कोई तकलीफ नहीं है। प्रयाशमान जरा होना दुख मतलब क्या है, यानी कि बुरा होना है ना। प्रयाशमान इस संसार में रहने वाले लोगों का जरा हो जाता है शरीर, यानी कि कमजोर हो जाता है, दांत टूट जाता है, बाल फक जाता है, चमड़ी मुरझा जाता है, उम्र खत्म हो जाता है, आँख कान नाक जीव शरीर मन छह इंद्रिया बूढ़ा हो जाता है। प्रयाशमान यही है जरा होना। ये सब बूढ़ा होना सुख है या दुख है? दुख है। प्रयाशमान मृत्यु मतलब क्या है? जो लोगों का च्युत होता है, क्षण होना, या तो फिर टूट जाता है शरीर, क्षण हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, पंच उपादान स्कंध को हट जाता है, यही है मृत्यु। प्रयाशमान शोक मतलब क्या है? शोक अफसोस। यहाँ लोगों को विधाकार आपत्ति उत्पन्न हो जाता है। कोई भी आपत्ति पीड़ा सहन करने वाले लोगों को उसी आपत्ति पीड़ा दुख दर्द को जो सहन करता है उनका मन में उत्पन्न होने वाले दुख शोक है। शोकी स्वभाव है, मन को दुखाने वाले कोई परेशान हो, मन हर तरफ से जलाने वाले कोई चिंता हो, इसको कहता है शोक। मतलब बहुत सारे परेशान प्रॉब्लम हो जाता है ना, उसको कहता है शोक। प्रयाशमान रोना मतलब क्या है? कोई कोई लोगों को दुख मिल जाता है, कोई कोई दुख है बर्दाश्त नहीं कर पाता है। बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण उन लोग को अपने आप रोना पड़ता है, आंख से आंसू गिराना पड़ता है, शब्द अच्छे से नहीं बोल पाता है और रोना पड़ता है, इसी को कहा जाता है रोना दुख है। शारीरिक दुख मतलब क्या है? शरीर उत्पन्न होता है दुख, बर्दाश्त नहीं कर पाता है, बहुत कठोर है वो, शरीर का स्पर्श बहुत कठोर है, कटुक है, बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, इसको कहता है शारीरिक दुख। मानसिक दुख मतलब क्या है? प्रयाशमान मानसिक दुख मतलब कभी कभी मन में परेशान उत्पन्न हो जाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता है, बहुत कठोर है, कटुक है, मन के स्पर्श उत्पन्न होने वाले ये कठोर जो कुछ वेदना हो, जो कुछ दर्द हो, वो सब कुछ मानसिक दुख है। हम लोग को कौन सा दुख बर्दाश्त करना मुश्किल होता है? शारीरिक दुख या तो फिर मानसिक दुख? मानसिक दुख। शारीरिक दुख के लिए कुछ भी कर सकता है, इंजेक्शन एक मार दिया तो चलेगा, कम से कम बेहोश करवाया तो चलेगा, कुछ भी कर सकता है ना, इलाज किया तो ठीक हो जाता है, लेकिन मानसिक दुख ऐसा ठीक नहीं होता है। मानसिक दुख हर पल में हम लोगों को परेशान कर देता है, इसीलिए भगवान बुद्ध ने बताया
मन को सुरक्षा करने के लिए। शरीर को कुछ भी हो, शरीर को कितना बीमार पड़े, लेकिन मन को बीमार नहीं आना चाहिए। मन को बीमार आ गया तो कौन यार, जरूर पछताना पड़ता है। मन को बीमार आ गया तो इसलिए बचपन से हम आप लोग सीखना चाहिए मन को सुरक्षा करने के बारे में। दुनिया डांटते समय, अन्याय होते समय, असाधारण होते समय, या तो फिर कुछ भी होते समय, उसको बर्दाश्त करने का हिम्मत चाहिए। इसके बाद बता रहे प्रयाशमान दुख पीड़ा के बारे में मनन करके पछताना मतलब क्या है। लोगों को संसार में कई प्रकार की आपत्ति उत्पन्न हो जाता है, पीड़ा वेदना उत्पन्न हो जाता है, थकावट हो जाता है। वैसा तकलीफ होने के बाद उसके बारे में मनन करते 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 कहता है ना, उसको कहता है पछताव। जितना तकलीफ कष्ट परेशान होने के बाद लोग रोते रोते अंत में रोने के बाद अब रो नहीं सकता, फिर मनन करते रहता है, करते करते रहता है ना, ऐसे श्वास चोर के मुंह से जोर से, वो पछताव दुख है। प्रयाशमान जो पसंद है वो नहीं मिलने का दुख मतलब क्या है। आप लोग के हिसाब से क्या है वो दुख, क्या चाहते हैं लोग? जैसे मैं लोगों को कहता है हमको 50 लाख चाहिए, वो नहीं मिलना तो वो दुख खत्म हो जाता है। 50 लाख मिल गया तो ये दुख कभी खत्म नहीं होता है। ये दुख क्या है, जो चाहता है वो नहीं मिलता है। लोग चाहता है इसमें है प्रयाशमान, जन्म लिए हुए लोगों का दिल में ऐसा आशा उत्पन्न हो जाता है, अरे हम जरूर ये जन्म नहीं लेंगे तो वापस इस जन्म में नहीं आएगा तो कितना अच्छा है। ऐसा प्रसन्न होने पर वो चीज पा सकता है क्या? नहीं पा सकता है। ये है जो कुछ चाहने पर नहीं मिलना दुख। और लोग चाहता है, बूढ़ा होने वाले लोग प्रार्थना करते हैं, अरे हम ये बूढ़ा नहीं होंगे तो कितना अच्छा है, हम हमेशा जवान रहेंगे तो कितना अच्छा है। ऐसे प्रार्थना करने पर बुढ़ापा से बच सकता है? ये है चाहने पर नहीं मिलना दुख। और लोग बीमार पड़ने वाले लोग जो कि निर्वाण प्राप्त नहीं किया, वो लोग बीमार पड़ते समय अफसोस करता है, अरे हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो अच्छा है, लेकिन बीमार तो पड़ता ही, वो दुख है। और लोग सोचता है मरने वाले लोग, हम नहीं मर जाएंगे तो अच्छा है, लेकिन सभी लोग मर जाते हैं, वो भी दुख है। प्रयाशमान और लोग सोचते हैं शोक दुख पीड़ा तकलीफ इत्यादि ये परेशान हमको नहीं मिल गया तो अच्छा है, लेकिन वो तो मरने दम तक सबको मिलते रहता है, वो भी दुख है। ये सब कुछ सारांश करके बता दिया तो पंच उपादान स्कंद दुख है। कौन सा पंच उपादान स्कंद? रूप उपादान स्कंद, वेदना उपादान स्कंद, संज्ञा उपादान स्कंद, संखार उपादान स्कंद, विज्ञान उपादान स्कंद। ये पंच उपादान स्कंद दुख है। प्रयाशमान दुख उत्पन्न होने का आर्य सत्य मतलब क्या है? अभी दुख का आर्य सत्य के बारे में आप लोग जान गए हैं, जान गए तो मनन करके समझना चाहिए। अभी कौन सी आर्य सत्य है? दुख समुदय यानी कि दुख उत्पन्न होने के बारे में आर्य सत्य। और कई जन्म में जाने वाले आश्वाद से ही आसक्त होने वाले, जहां जहां जाता है वहां खुशी मन से स्वीकार करने वाले जो कुछ तृष्णा है, जैसे में काम तृष्णा, भाव तृष्णा, विभव तृष्णा, प्रयाशमान, ये है दुख उत्पन्न होने का आर्य सत्य।
ऐसा है तो दुख उत्पन्न होने का आर्य सत्य क्या है? कहीं भी जो जन्म लेने के लिए आश्वाद से आसक्त होता है, जहां जहां जाता है वहां खुशी मन से स्वीकार करता है, क्या तृष्णा? कौन सी तृष्णा? काम तृष्णा। काम तृष्णा मतलब पंच काम को स्वीकार करके आनंदित हो जाते हैं। भाव तृष्णा, भाव तृष्णा मतलब, भाव तृष्णा मतलब और जन्म लेने का मन करता है, ये संपत्ति और मुझे मिले और मुझे जन्म जन्म ऐसा हो गया तो अच्छा है, ऐसा संपत्ति में ऐसे करके जन्म जन्म जाने का इच्छा होता है, वो भी एक तृष्णा है। और तीसरा है विभव तृष्णा। विभव तृष्णा मतलब लोग को कोई कष्ट परेशान आ गया तो सोचते हैं हम नहीं जन्म लेंगे, वो भी एक तृष्णा है, हम जन्म नहीं लेंगे, जन्म हमको नहीं चाहिए, ऐसा करके लोग प्रार्थना करता है, वो भी एक तृष्णा है। ये तीन प्रकार की तृष्णा में सारे लोग फंस जाते हैं। प्रियांशमान दुख निरोध होने का आर्य सत्य मतलब क्या है? वो तीसरा वाला, जो कोई तृष्णा है, काम तृष्णा हो या भाव तृष्णा हो या विभव तृष्णा, ये तीन प्रकार की तृष्णा एक बूंद भी बिना बचा के, बिना आसक्त हो के होते हुए निरोध हो गया तो, खत्म हो गया तो, त्याग कर दिया तो, दूर कर दिया तो, ये तीन प्रकार की तृष्णा से मुक्त हो गया तो, उसके ऊपर जितना लगाव है, आसक्ति वो छोड़ दिया तो, प्रयाशमान यही है दुख निरोध होने का आर्य सत्य। दुख निरोध होने का आर्य सत्य आप समझ गए हैं? दुख निरोध होना मतलब क्या है? उसी तृष्णा को मिटाना। कौन सी तृष्णा? पांच काम के ऊपर जो उत्पन्न होने वाले काम तृष्णा, जन्म जन्म में जाने के लिए प्लानिंग करने वाले भाव तृष्णा, इसके बाद विभाव तृष्णा। ये जो कुछ तृष्णा है संपूर्ण रूप से उखाड़ के हटाता है, उसके ऊपर जितना बंधन है वो सारे बंधन को त्याग करता है, छोड़ देता है, वो तृष्णा हटा देता है, उसके ऊपर जो प्यार है वो निकाल देता है, वही है दुख निरोध होने का आर्य सत्य। यो तस्साएव तन्हाय अशेष विराग निरोधो चागो पटिनिसर्ग मुक्ति अनालय। यो तस्साएव तन्हाय, जो कुछ तृष्णा है अशेष विराग निरोधो, अशेष मतलब बिना बचा के, शेष नहीं रखता है, विराग हो जाता है, निरोध कर देता है, चागो त्याग कर देता है, पटिनिसर्ग बिना एक बूंदा बचा के खत्म कर देता है, मुक्ति मुक्त होता है, अनालय आले आले मतलब लगाव त्याग कर देता है, उसको कहता है दुख निरोध होना। इसका दुख निरोध होना मतलब कुछ भी बच जाता है? नहीं। प्रयाशमान दुख निरोध होने के लिए जो कुछ मार्ग है, प्रतिपदा, वो प्रतिपदा आर्य सत्य क्या है? वो है आर्यष्टांगिक मार्ग, सम्मादिट्ठि, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंत, सम्मा आजीव, सम्मा वायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि। प्रयाशमान सम्मादिट्ठि मतलब क्या है? सम्मादिट्ठि मतलब क्या होगा? चार आर्य सत्य के बारे में जो कुछ अवबोध है वो सम्मादिट्ठि कैसा? दुख आर्य सत्य के बारे में जो कुछ अवबोध है तथा दुख समुदय आर्य सत्य के बारे में जो कुछ अवबोध है, दुख निरोध आर्य सत्य के बारे में जो कुछ अवबोध है, दुख निरोध करने का मार्ग आर्य सत्य के बारे में जो कुछ अवबोध है, वो अवबोध को कहता है सम्मादिट्ठि, वो लोकोत्तर सम्मादिट्ठि है। इधर सीधा लोकोत्तर मार्ग बता रहे हैं ना। लौकिक सम्मादिट्ठि मतलब क्या है? पुण्य कर्म, कर्म का फल विश्वास करना। इसका बताया पुण्यवान भिक्षु, पुण्यवान आयुष्मान। सम्मा संकल्प मतलब क्या है?
पंच काम से मुक्त होने के बारे में जो कुछ विचार है तथा व्यापाद से मुक्त होने के बारे में जो कुछ विचार है, हिंसा हिंसा से मुक्त होने के बारे में जो कुछ विचार है, ये है सम्मा संकल्प। ऐसे तो सम्मा संकल्प मतलब क्या है? पंच काम से मुक्त होने के बारे में, पंच काम का खतरा देख कर पंच काम से मुक्त होने के बारे में जो कुछ विचार है, ऐसे तो हर पल पंच काम का खतरा देखना चाहिए ना। ये तो तत्काल तुरंत मिल जाए तुरंत खत्म हो जाता है। पंच काम का स्वभाव कैसा है? आस्वाद थोड़ा है, आदिनव ज्यादा है, यानी कि मजा थोड़ा है लेकिन उसका सजा बहुत ज्यादा है। इसके बाद व्यापाद से मुक्त होने का विचार, यानी कि मैत्री विचार करना, वो भी सम्मा संकल्प। हिंसा से मुक्त होना, दूसरों को हिंसा परेशान करने के बारे में सोचता है ना, उसी से मुक्त अहिंसा होना, वो भी सम्मा संकल्प। प्रयाशमान सम्मा वाचा मतलब क्या है? सत्य बोलना, चुगली नहीं करना, कठोर वचन नहीं बोलना, फालतू बातें नहीं करना, यानी कि व्यर्थ बातें नहीं करना, सम्मा वाचा है। समझ में आता है? वो सम्मा वाचा। प्रयाशमान सम्मा कमर्थ मतलब क्या है? हत्या नहीं करना, सम्मा कम अंत है, चोरी नहीं करना, सम्मा कम अंत है, व्यभिचार नहीं करना, सम्मा कम अंत है, यही है सम्मा कम अंत। सम्मा कम अंत मतलब क्या है? प्राणियों को हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना तथा व्यभिचार नहीं करना। प्रयाशमान सम्मा आजीव मतलब क्या है? यह आर्य श्रावक गलत आजीव को त्याग करके धार्मिक ढंग से जीवन बिताते हैं। धार्मिक ढंग से जीवन बिताते मतलब डांडी में ही नहीं मारता है, जो नहीं करना चाहे वैसा बिजनेस नहीं करता है, अधार्मिक ढंग से जो कुछ पाप करके पैसा कमाता नहीं है। बांधे लोग खे तो अधार्मिक ढंग से अपना भोजन लेता नहीं है, अधार्मिक ढंग से रहता नहीं है, उसको सम्मा आजीव कहता है। प्रयाशमान सम्मा वायाम मतलब क्या है? यह भिक्षु अभी तक जो उत्पन्न नहीं हुआ पापी विचार, उसको उत्पन्न नहीं करने के लिए पसंद होता है, कोशिश करता है, वीर करता है, मन एकदम दृढ़ संकल्प लेके रहता है, बलवान तरीके से मेहनत करता है, वो सम्मा वायाम। और कहेंगे तो अभी अपना मन में उत्पन्न हुआ पापी अकुशल विचार, उसी पापी अकुशल को मिटाने के लिए पसंद होता है। सबसे पहले हम यह अकुशल को मिटाएंगे, सबसे पहला कारण वही है प्रसन्न होना, चाहना चाहिए, सबसे पहले लाइक करना चाहिए। इसके बाद कोशिश करता है, वीर करता है, मन एकदम दृढ़ संकल्प लेके मन रखता है, बलवान प्रकार से प्रयास करता है, वो सम्मा वायाम। और है अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है कुशल धर्म, ध्यान समाधि हो या प्रज्ञा हो, अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ, उसी प्रज्ञा समाधि को लाने के लिए सबसे पहले पसंद चाहिए, लाइक करना चाहिए। आप अगर पसंद करेंगे तो हम चौथी ध्यान में आएंगे किसी भी तरह, सबसे पहले वही प्रसन्न करना चाहिए ना, तब ना आ सकता है। ये चलेगा जैसा तैसा होते रहेगा, कोई बात नहीं करके छोड़ दिया तो नहीं। प्रसन्न होना चाहिए, वीर्य करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, मन एकदम दृढ़ संकल्प ले करके बलवान प्रकार से कोशिश करना चाहिए, उत्साहित उत्साह करना चाहिए। उत्साहित दिया जो कुछ अपना पास है अभी कुशल विचार, कुशल धर्म, उसी कुशल धर्म को नहीं मिटाने के लिए,
और आगे बढ़ने के लिए, विपुलता और बढ़ाव के लिए, और आगे बढ़ाने के लिए भावना प्रकार से संपूर्ण करने के लिए पसंद होना चाहिए, वीर करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। मन मन बहुत दृढ़ संकल्प लेकर के मन रखना चाहिए, बलवान प्रकार से उत्साह करना चाहिए। ये है सम्मा वायाम, चार प्रकार की उत्साह वीर्य। प्रयाशमान सम्मा सती मतलब क्या है? यह जो कोई भिक्षु है अपना क्लेश गंदगी को मिटाने के लिए होश में रहते हुए, ज्ञान से रहते, प्रज्ञा से रहते हुए आसक्त होना तथा घृणा होना को त्याग कर शरीर के बारे में कायानुपस्सना ध्यान करते रहते हैं। वेदनानुपस्सना ध्यान करते हैं, मन के बारे में चित्तानुपस्सना ध्यान करता है तथा 37 बोधिपाक्षिक धर्म के बारे में धम्मानुपस्सना ध्यान करता है। ये चार सतिपट्ठान ध्यान करना सम्मा सती है। प्रयाशमान सम्मा समाधि मतलब क्या है? यह भिक्षु पंच काम से मुक्त होकर, अकुशल धर्म से मुक्त होकर, वितर्क सहित, विचार सहित, विवेक से उत्पन्न हुए प्रीति एवं सुख वाले पहला ध्यान पाके रहता है, वो है सम्मा समाधि। वितर्क विचार शांत करके अपने चित्त आंतरिक चित्त को बलवान प्रकार से प्रसन्न करके मन की एकाग्रता के सहित विचार रहित, वितर्क रहित समाधि से उत्पन्न होने वाले प्रीति एवं सुख वाले दूसरी ध्यान लेके रहता है तथा तीसरी ध्यान लेके रहता है, चौथी ध्यान लेके रहता है। ये है सम्मा समाधि। प्रयाशमान ये है दुख निरोध होने का प्रतिपदा आर्य सत्य। इसीलिए तथागत भगवान बुद्ध जी वाराणसी ऋषिपतन मिगदाय में धर्म चक्र प्रवर्तन किया। ये धर्म के चक्र प्रवर्तन दुनिया में और किसी को, या तो फिर वो श्रमण हो या ब्राह्मण हो, देवता हो, मार हो, ब्राह्म हो, किसी को भी वापस उल्टा घुमा नहीं सकता है। जो कुछ इसका मतलब क्या है? जो कुछ चार आर्य सत्य धर्म है, जो देशना किया, स्थिर किया, विस्तार किया, विग्रह किया, अच्छे से निकाल के दिखाया संसार ब्रह्मांड को, यही आर्य सत्य किसी को बदला नहीं सकता है, एकदम सनातन सत्य है। आज सारभूतारहंत भंते जी उपदेश दे दिया, भंते रूप बहुत प्रसन्न मन से उपदेश को स्वीकार किया। तो आप लोगों को भी चार आर्य सत्य प्राप्त करने का भाग्य मिल जाए। इसके बारे में आप लोग कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए अभी।